जो तालीम की जब बात करता हूं तो एक और बात कहना चाहता हूं। आज तक किसी हुकूमत ने यह नहीं फिक्र की कि हमारे मदरसे में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि हमारे मदरसे के बच्चों के लिए भी हम उनको मौका दें, वो भी ऊपर उठ सके, वो भी ऊपर आ सके, पाकिस्तान में डॉक्टर बने, जनरल बने, जज बने। लेकिन कभी किसी हुकूमत ने मदरसों के बच्चों का कभी परवाह नहीं की। मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं, मैंने ये फैसला किया है कि जो मदरसों के बच्चे हैं ये मेरे बच्चे हैं। मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि अब से हमारे जो 26 लाख मदरसों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, चंद ऐसे भी मदरसे हैं जिधर से बच्चे निकलते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर मदरसे के बच्चे उन जब पढ़ भी जाते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता। हमने इंशाल्लाह, मैं सारे दीनी मदरसों के जो एसोसिएशन हैं उनके साथ बैठ रहा हूं, उनके साथ हम बैठ के ये अब कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे दीन भी पढ़ें, पूरी दीन की भी तालीम लें, लेकिन साथ साथ साइंस भी पढ़ें, इंजीनियरिंग भी पढ़ें, ताकि वो हमारे जब बच्चे हों तो कोई भी किसी भी शोबे में जाना चाहे वो जा सके। तो इंशाल्लाह मेरा ये भी अब वादा है कि मदरसों के ऊपर भी हम पूरा जोर लगाने लगे हैं।